बिजली बिजली या इलेक्ट्रिसिटी हम सबके जीवन का अभिन्न अंग है। अगर बिजली नहीं होती है तो हम आजकल स्टॉप हो जाते हैं, कुछ भी काम नहीं कर पाते हैं। मान लीजिए आप अगर कोई काम कर रहे हैं और लाइट चली गई तो फिर आपका वो काम रुक जाएगा। तो इलेक्ट्रिसिटी हमारे जीवन में एक वो भूमिका निभाती है जो काफी निर्णायक होती है। आजकल सारे के सारे काम हमारे इलेक्ट्रिसिटी से डिपेंडेंट हैं। और दोस्तों, एक वो भी ऊर्जा का साधन है जिसमें कोई भी प्रदूषण नहीं होता। जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ राहुल चौधरी, स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल डेली डोज बॉक्स पे। दोस्तों, चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो लाल वाला बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये एपिसोड और जानते हैं बिजली क्या है और कैसे उसकी इम्पोर्टेंस हमारी लाइफ में होने वाली है, और इसका एक सोल्यूशन भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ जो हाल ही में इन्वेंट हुआ है। दोस्तों, बिजली हमारे जीवन में एक अभिन्न भूमिका निभाती है, बिजली की काफ़ी निर्णायक भूमिका है, और जो इम्पोर्टेंस लाइट की है वो शायद ही किसी भी ऊर्जा के स्रोत की हो। दोस्तों, लाइट अंधेरे में उजाला कर देती है, लाइट हमारे कंप्यूटर्स चलाती है, लाइट हमारी सारी मशीनरी चलाती है, हम अपना मोबाइल भी लाइट से ही चार्ज करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी से ही चार्ज करते हैं। दोस्तों, मान लीजिए हमारे पास अभी ऊर्जा के बहुत सारे ऐसे साधन हैं जिनसे हमारी लाइट को बनाया जाता है। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी है, कोयले से बनने वाली बिजली है। कोयला हमारा लिमिटेड ऊर्जा का स्रोत है जो थोड़े समय के बाद समाप्त हो जाता है, दोबारा नहीं मिलता है। तो इस तरीके से जो ताप विद्युत है उसका तो काफ़ी ज़्यादा क्रेज होता ही है क्योंकि सबसे ज़्यादा उसी से बिजली बनती है। लेकिन अभी जो है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर काफ़ी काम हो रहा है और हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए बहुत सारे डैम्स भी बनाए जा रहे हैं। दोस्तों, ऐसे में ब्रिटेन के कुछ किसानों ने एक चीज़ खोजी है जो हमने भी शायद बचपन में कई बार किया होगा, ग्लास में वो लगा के एक घोल बना के उसमें सेल का जो बीच वाला हिस्सा होता है वो डाल के फिर तार को कनेक्ट करके हम एक बल्ब जलाते थे। दोस्तों, उसी आइडिया पर बेस्ड उन्होंने एक खोज की है, और एक ऐसी चीज़ पर उन्होंने खोज की है जो इंडिया में बहुत ही ज़्यादा है। कहने का मतलब ये, हमारा भारत जो है 65% कृषि आधारित अर्थव्यवस्था है हमारे भारत की, और मैक्सिमम किसानों के पास गाय भी होती है। बहुत सारे जानवर जो है ना भारतीय किसान पालते हैं, उनमें गाय जो है प्रमुख होती है। दोस्तों, ब्रिटेन के एक डेयरी फार्म में एक खोज हुई कि गाय के 1 किलो गोबर से 3.75 किलोवाट बिजली पैदा की जा सकती है। मैं तो ये सोच के शॉक्ड रह गया कि गाय का 1 किलो गोबर और उसके 1 किलो गोबर से 3.75 किलोवाट बिजली, यानी कि एक वैक्यूम क्लीनर जो है इतनी बिजली पैदा कर देगी वो गाय 1 किलो गोबर से, कि एक वैक्यूम क्लीनर लगभग 5 घंटे काम करेगा। उन्होंने क्या किया कि गाय का 1 किलो गोबर लिया और उसको सुखा लिया, उसको फिर चूर्ण बना लिया यानी पीस लिया उसको, फिर उससे एक बैटरी तैयार की जिसको काउपू बैटरी के नाम से जाना जाता है, और उस बैटरी को इस्तेमाल किया गया तो 3.75 किलोवाट बिजली पैदा हुई जिससे एक वैक्यूम क्लीनर को कम से कम 5 घंटे चलाया जा सकता है। दोस्तों, तो ये अंदाजा लगाइए कि इंडिया के अंदर कितनी गाय हैं और कितना गोबर है। अगर सभी लोग इसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें तो हमारी जो है बिजली की समस्या समाप्त हो सकती है, हमारी जो बिजली की समस्या है वो बिल्कुल समाप्त हो जाएगी और हम जो है एकदम ऊर्जा निर्भर देश बन जाएंगे। दोस्तों, वैसे तो सौर ऊर्जा भी एक मुख्य उपाय है बिजली को बनाने का, और ये भी एक सरल एक कॉन्वीनियंट उपाय है बिजली को बनाने का, क्योंकि इसमें प्रदूषण नहीं होता और जो वेस्ट होता है, जो मैन्योर होता है उसके गाय के गोबर का, उसको हम पुनः खाद के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। जो उसका बचा खुचा निकलता है बैटरी को यूज़ होने के बाद, फिर उसको हम एक खाद के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये दोस्तों एक अच्छी टेक्नोलॉजी है और हम लोग बचपन से करते आ रहे हैं, लेकिन इसको एक बड़े स्केल पर करना काफ़ी ज़्यादा चुनौती भरा भी है और बहुत सारे सुधार भी करने इसमें बाकी होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं यह एक आशा की किरण है आपके लाइट बिल को कम करने का। दोस्तों, तो कैसा लगा ये वीडियो, लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है भाई तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आपको एंटरटेनमेंट के साथ जानकारी भी देता हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना। जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर।